कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर वन, 18 बॉयज आर ओवर 160 सेंटीमीटर, तो 160 से ज्यादा है ग्रेटर 18 बॉयज, दिस कंस्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज, यानी टोटल बॉयज का 3/4 है 18, तो हम टोटल बॉयज फाइंड आउट करेंगे। बॉयज हो जाएंगे 4 × 6, 24, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 24, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स का 2/3, ये हो गया 24, तो इसको कैंसिल कीजिए 12, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 × 12 36। नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, टोटल स्टूडेंट्स 36, आउट ऑफ विच 24 आर बॉयज, सो नंबर ऑफ गर्ल्स 36 माइनस 24 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन हैज 1044 कैंडल्स, 1044 कैंडल है उसके पास, आफ्टर बर्निंग ऑल ऑफ देम ही कैन मेक अ न्यू कैंडल फ्रॉम 9 स्टब्स। अब 1044 कैंडल बर्न होंगी तो 1044 ही स्टब बचेंगे हमारे पास, इतने स्टब बच जाएंगे, और वो 9 स्टब से एक कैंडल बनाता है, तो 1044 स्टब से कितनी कैंडल बनाएगा, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कीजिए 116, उसके बाद कितना बच गया, 9 × 9 = 54, 116 कैंडल। ओके, सबसे पहले ये, अब जो 116 कैंडल है इनको भी बर्न करेंगे तो फिर से हमारे पास कितने स्टब बचेंगे, 116 ही स्टब बचेंगे हमारे पास। अब इन 116 स्टब से फिर से वो 9 स्टब के हिसाब से कैंडल बनाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितना बच गया यहाँ पे 20, तो कैंडल्स हो गए 12 कैंडल्स हो गए, और रिमाइंडर आप देखोगे तो रिमाइंडर कितना बच गया, 8 बच गया। अब फिर से वही प्रोसेस कि 12 कैंडल्स का मतलब जब इनको बर्न करेगा तो फिर से 12 स्टब होंगे और 8 स्टब ये बचे हुए हैं, तो 12 स्टब ये और 8 स्टब ये, टोटल अब कितने स्टब हो गए उसके पास, 20 स्टब हो गए, तो 20 स्टब से फिर से वो 9 के हिसाब से कैंडल बनाएगा, 9 × 2 = 18, 2 कैंडल बन जाएंगी, समझ में आ गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 2। ओके, अब 2 कैंडल का मतलब 2 स्टब ये हो गए और रिमाइंडर में 2 स्टब है, यानी 4 स्टब, अब 4 स्टब से तो कैंडल और बन नहीं सकती, तो बस इतना ही हो जाएगा, सबसे पहले 116 कैंडल, उसके बाद 12 कैंडल और फिर 2 कैंडल, 16, 12, 28, 2, 30, टोटल आंसर हो गया 130 कैंडल्स। नेक्स्ट, आउट ऑफ 300 स्टूडेंट, पढ़िए क्वेश्चन को। यस सर, एग्जैक्टली 25 आंसर राइट। तो टोटल न्यूज़पेपर इसमें मान लेते हैं, लेट टोटल न्यूज़पेपर एक्स, अब कहता है एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट्स, अगर एक स्टूडेंट एक न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो 60 स्टूडेंट कितने पढ़ेंगे, 60x, उसने बोला इस चीज को समझना पड़ेगा, एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट, टोटल न्यूज़पेपर हमने x मान लिया,
एक बच्चा एक्स न्यूज़पेपर पढ़ता है, 60 स्टूडेंट 60x हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इन न्यूज़पेपर्स को जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर, 5 से डिवाइड कर देंगे तो इधर भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट, इसको कैंसिल करेंगे 12x 300, तो x क्या हो जाएगा 300/12 25। द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज x, x हमने लेट किया था, टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एग्जैक्टली 25। On Monday, certain animal shelter house 15 cats and dogs. Shelter house में total जो animal है, cat और dog, वो 55। Friday को 1/5 cat को निकाल लिया और 1/4 dog को adopt कर लिया, 1/5 cat और 1/4 dog। उस दौरान कोई भी नए animal नहीं आए, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर पेट क्या होगा जिनको अडॉप्ट किया गया है मंडे से फ्राइडे के बीच में, यानी जितनी भी कैट होंगी वो 5 का मल्टीपल होंगे, क्योंकि 1/5 को अडॉप्ट किया है ना। नंबर ऑफ डॉग्स क्या होंगे, 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि जो 4 का मल्टीपल होगा उसी का 1/4 हम कर सकते हैं, और ऐसे करके दोनों कितने होंगे 55। सपोज कीजिए मैं कह दूं आपको कि ये 30 है और ये 25, दोनों का सम कितना हो गया 55। ओके, अब 30 कैट का 1/5 हो जाएगा, लेकिन 25 का क्या 1/4 हो सकता है डॉग का, नहीं हो सकता ना, तो इट मीन्स ये रॉन्ग है। तो हम मान के चलते हैं जो ऐसे दो नंबर्स मान लो जो 5 और 4 दोनों के मल्टीपल हो और जिनका सम 55 आ जाए, तो अगर इसको 20 कर ले हम तो ये कितना हो जाएगा 35। अब 35 कैट का 1/5 अडॉप्ट हो गए, तो कितने अडॉप्ट हो गए 7, और 20 का 1/4 अडॉप्ट हो गए तो ये कितने हो गए 5, तो टोटल एनिमल्स जो अडॉप्ट हुए हैं वो 12। और भी हो सकता है, और भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ इसको 40 मान लेते हैं, 40 डॉग्स, तो कैट्स कितने बच गए 15, 40 और 15 55 हो गए। अब इसका 1/5 अडॉप्ट किया यानी कि 3, इसका 1/4 अडॉप्ट किया यानी कि 10, तो यहाँ पर जो सम हो रहा है वो कितना है 13, समझ गए। तो इसमें मैक्सिमम लेना आपको, 12 को नहीं लेना, आप लोगे 13, जो मैक्सिमम अडॉप्ट किए हैं मंडे से फ्राइडे वो 13 एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 6500 डिवाइडेड इक्वली सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन आपको फाइंड आउट करना है। अगर 15% ज्यादा होंगे तो हर एक को 30 रुपए कम मिलेगा, क्योंकि अमाउंट है वो तो फिक्स है, अमाउंट है वो फिक्स है, अगर बंदे बढ़ेंगे तो पहले जितना मिलना था उससे तो कम ही मिलेगा। तो पहले जो 6550 6500 रुपए, सपोज कीजिए कि एन में डिवाइड होने थे, नंबर ऑफ पर्सन को हम एन मान लेते हैं, बाद में यही 6500 रुपए कितने में डिवाइड हुए, कितने पर्सन आ गए 15% एक्स्ट्रा आ गए, तो एन प्लस 15 यहां से अमाउंट बनेगा, ये भी अमाउंट बनेगा, दोनों अमाउंट का डिफरेंस कितना रुपया आ रहा है देखो 30 रुपीज, तो इसको पुट करेंगे 30 के इक्वल, एलसीएम लेके और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं और दिस मेथड इससे भी आप कर सकते हैं, कर लेंगे सोल्व। Yes. Yes.
सिक्स क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आप लोग बताएंगे मिसिंग नंबर, सिक्स को बताइए। एक मिनट, यस देखिए सिक्स क्वेश्चन को ट्राई करें आप, सॉल्व नहीं हुआ। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। इन सभी नंबर्स का सम करेंगे तो ये बनेगा 125, 125 का क्यूब रूट 5, सेम ये 216 क्यूब रूट 6, इनका सम करेंगे 18, 15, 33 और 18 51, 4 का क्यूब 51 और 13 64, सभी को ऐड करके क्यूब रूट निकालेंगे। एट्थ क्वेश्चन, सम करें 26 और 14, 40 आ जाएगा इन चारों का सम, और उसको 4 से डिवाइड करें तो 10, इसका सम 16 और 30 आ गया, डिवाइड बाय 4 7.5, इन चारों का सम 18, डिवाइड बाय 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 960 डिवाइड बाय 100 9.6, सेम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 560 डिवाइड बाय 100 5.6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 420 डिवाइड बाय 100 4.2, फाइव इंटू एट 40 प्लस 3 और 5 2 5, क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 58 को 40, और जो 3 और 2 है इसको ऐड कर देंगे 45, 17 5 जा 85 प्लस 7 प्लस 3 10 becomes 94. 11 into 21 231 plus 2 plus 7 9 231 plus 9 240.
मल्टीप्लाई करें सभी नंबर्स को, 6 × 4 × 2 × 5 240 माइनस सम ऑफ नंबर्स 6 + 4 = 10 + 2 = 12 + 5 = 17 223 सभी को मल्टीप्लाई करके सभी का सम माइनस कर दें, मल्टीप्लाई 105 माइनस 16 89 इनकी मल्टीप्लाई 56 = 224 224 में से माइनस कितना होगा देखो 8 × 7 = 15 + 5 = 20 माइनस करेंगे 224 माइनस 20 204 12th क्वेश्चन स्केयर लिखे इनका 4 25 9 1 अब इसको ऐड करें 4 और 25 को 29 9 + 1 = 10 29 - 10 = 19 49 + 16 = 65 16 + 36 = 52 52 + 65 का डिफरेंस 13 100 25 125 यानी 125 और ये 4 ये क्वेश्चन मार्क इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 40 आएगा तो एक बार माइनस कर लेते हैं 125 में से 40 गया तो 85 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 में 81 ऐड करेंगे 81 का मतलब 9 का स्क्वायर थर्टीन क्वेश्चन फाइव इंटू सिक्स इंटू एट 240 7 × 4 × 9 252 इन दोनों का सम करेंगे 492 यानी ऊपर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई में ऐड करनी है 4 × 3 = 12 × 5 = 60 9 × 2 = 18 कितने होते हैं 126 186 आंसर हो जाएगा तो ये आपको स्क्वायर नंबर दिख रहा है 25 ये भी स्क्वायर नंबर है तो यहां भी स्क्वायर नंबर आएगा
देखो कैसे आएगा, यहाँ फाइव कैसे आएगा ये देखना है, और यहाँ देखना है फोर्टीन। क्या तो था मैंने, शायद फोर आंसर आएगा इसका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। आप हैंड रेज करें। सर 17 -5 और 7 का सम, ओके और फिर इसका तो 17 5 और 7 हो गया 12। 17 -12, 5² 25। ये दूसरे भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, ये 13। 27 -13, 14² 146। 33। 35 -33, 2² 4। सुबह सुबह मैंने सारे सोल्व किए थे आज, और एकदम से अब हो जाता ना स्किप माइंड से, इजी है ये भी हो जाएगा। अगर सभी डिजिट का सम कर दें तो, हाँ दक्ष का मैसेज भी आ गया, डिजिट सम, ओके सही बात है, डिजिट सम ही है इसमें। 1 5 3 5 2 7 23, 6 9 15 7 22। ये तो स्क्वेयर है, 4² 3² 5² और 1² 125। इसका सम करें, 22 और 3 25, 5² 23 12 35 29 64, 8² और देख लो कितना हो जाएगा, 23 9 32 49, कितना होता है, गलत कर रहा हूँ क्या मैं, 32 और 49 को ही जोड़ना होगा। हाँ ठीक है, 81 होता है, 81 9 स्क्वेयर, ओके। एटींथ कीजिए, 6 4 का सम 10, 9 7 डिफरेंस 2। यहाँ पे माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, फिर डिवाइड करेंगे 10/2 5, 13 5 18 और 26 24 2, डिवाइड इज 19, 9, 18/2 9। तो 1 + 15 16, 15 16 31, 31 16 47, 2 2 टर्म्स को ऐड करते जाओ, और 125 और 78, 203, दो दो टर्म्स को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। ट्वेंटी और 21,
कल वाले क्लास में करवाएंगे, ये जो है इजी, लेकिन बाइनरी कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा आपको, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, स्क्वायर नंबर है ये सभी, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रखा है, ये कल बताऊंगा मैं आपको। 22 22 कुछ नंबर्स मुझे अजीब से लग रहे हैं, अजीब से मीन्स प्राइम नंबर तो नहीं है कहीं, 41, 37 हाँ प्राइम ही है, 59 के बाद 60, 61 हो जाएगा एक को, और 79 के बाद 80, 81, 82, 83 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना आंसर, मैंने देखे नहीं आगे, 61, 83 कोई मिस्टेक हो तो बच्चों आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये स्क्वायर बन रहे हैं, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 9 और 25 34 का रूट लिख दिया, 6 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर का रूट, तो 3-3 पेयर में चलेंगे, ठीक है, 6, 8, 10 राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं ना, 6, 8 का क्या होता है 100, 100 का रूट 10, जो रूट आ रहा है उसका निकाल दो, अदरवाइज रूट में लिख दिया। 24, 6 का डिफरेंस आया पहले, फिर 4 का, फिर 12 का, अब ये डिफरेंस आ कहां से रहा है, डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहा है शायद, 1 6 6, 2 2 4, 6 2 12, और यहाँ 3 8 24, 6 2 12, 7 4 28, तो 74 में 28 को प्लस कर दो, 102, और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 0 × 2 तो 0 बनेगा, फिर 102 में 0 ऐड करोगे तो फिर से 102 हो जाएगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, तो डज नॉट बिलोंग है उसको निकाल दो, वॉयलेट, येलो, रेड, ब्लैक, अच्छा रेनबो के कलर्स हैं शायद ही, आप देख लेना इसको, विबग्योर होता है रेनबो, ठीक है विबग्योर हमने पढ़ा है, ऑर्डर वगैरह आप देख लेना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो शायद ब्लैक नहीं आ रहा इसमें, है ना, ब्लैक नहीं आ रहा, ब्लैक हो जाएगा आंसर। यूवी रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, तो शायद ये फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे होगा, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी पावर इनमें ज्यादा होती है, फोटॉन्स के कारण होती है ना एनर्जी, आप लोगों को ज्यादा पता है, मैं सिर्फ आइडिया लगाता हूँ, तो रेडियो वेव्स हो जाएगा। लियो, इक्वेटर, लिब्रा, कैंसर, ये सभी राशियां हैं, है ना, राशि है ये, क्या कहते हैं इंग्लिश में, आप देखो राशि को, तो ये हो जाएगा इक्वेटर, अर्थ की होती है ना इक्वेटर, तो बाकी राशि है ये। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, पोर्सलिन, तो ये मेटल्स वगैरह जो भी हैं, पोर्सलिन, चीनी मिट्टी, बर्तन आते हैं ना चाइना मिट्टी के, पोर्सलिन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये साइंस है, ज्योग्राफी डिफरेंट, भूगोल, IMF, SAARC, यूनिसेफ, WHO, ये सारे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, तो इनके शायद देख लेना आप हेडक्वार्टर, IMF का देख लेना जेनेवा में, यूनिसेफ का,
पता नहीं न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी ऐसे ही WHO, लेकिन SAARC है उसका, इसका मुझे कंफर्म है ये काठमांडू में है, नेपाल में। SAARC अपने कुछ देशों का है, साउथ दक्षिण एशियाई सहयोग, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ऐसे कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है। तो SAARC है उसका नेपाल काठमांडू में। नेक्स्ट बच्चों ये सभी आप करेंगे कवर। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में, कल की क्लास में देखेंगे।